नमस्कार, मैं हूं सुदर्शन मिश्रा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सुंदर असली आध्यात्मिक वीडियो सुनने के लिए मिले। आज असली आध्यात्म में हम एक बहुत बड़ी चीज डिस्कस करने वाले, आलोचना करने वाले, वो है अच्छे कर्म अच्छे फल नहीं देते। आज तक आपने सभी से सुना होगा अच्छे कर्म करो उसका फल अच्छा मिलता है, पर आपको आज सुनकर आश्चर्य होगा अच्छे कर्म अच्छे फल नहीं देते। आज हम इस सारे चीजों को एक सुंदर कहानी के माध्यम से सहजता से और सरलता से पूर्ण रूप से समझेंगे। पहले हमको ये समझना होगा हम जिसको अच्छे कर्म मानते हैं वो अच्छा कर्म है क्या। आइए एक कहानी के माध्यम से इस सारी चीज को समझते। इससे पहले मैंने एक सुंदर वीडियो बनाया था, भगवान हमें क्यों इतना दुख देते हैं। आप लोगों ने उसे काफी पसंद किया, इसके लिए धन्यवाद। अभी अभी मैंने और एक वीडियो बनाया, कौन कहता है भगवान हमारे नहीं सुनते, उसका भी आप आनंद ले सकते हैं। दो इंसान, एक गरीब इंसान एक अमीर इंसान यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक भिखारी के साथ वो दोनों की मुलाकात। भिखारी गरीब इंसान के पास आया, गरीब इंसान ने उसे 2 रुपया दिया और बोला, ईश्वर आपका मंगल करे, मेरे पास इतना ही था, अगर ज्यादा होता मैं और थोड़ा आपको दे सकता। वो भिखारी अमीर इंसान के पास गया, उस अमीर इंसान ने उसे 100 रुपया दान किया। ऐसे दोनों का जीवन चलता रहा, दोनों का अंत हुआ, दोनों को मृत्यु प्राप्त हुई। मृत्यु के बाद वो अमीर इंसान को नरक में भेजा गया और वो गरीब इंसान को स्वर्ग प्राप्त हुआ। तब वो अमीर इंसान ईश्वर से पूछा, हे ईश्वर, मैंने जीवन भर बड़े कर्म किए पर आप मुझे उसका फल स्वरूप नरक में भेज रहे। ईश्वर ने बोला, देखो वो जो गरीब इंसान है वो जब भी दान धर्म कर रहा था, हालांकि वो थोड़ा सा कम कर रहा था, पर उसके पीछे एक सुंदर भाव थे प्रेम की और करुणा की। और तुमने जिंदगी पर बड़े कर्म किए, बाहर से दिखने वाले बड़े कर्म किए, पर उसके पीछे घृणा भाव थी, अहंकार भाव था। तुम जब वो भिखारी को 100 रुपया प्रदान कर रहे थे तब तुम ये सोच रहे थे, ये 100 रुपया मैं दे रहा हूं, मुझे लोग देख रहे हैं और वो भिखारी ये पैसा लेकर तुरंत यहां से भाग जाए क्योंकि मुझे घृणा आती है। अब तुम बताओ कौन सा कर्म बड़ा था, वो गरीब इंसान का या तुम्हारा। बाहर से दिखने वाले बड़े कर्म नहीं होते हैं, उसके जुड़ी हुई भाव फल देता है। कर्म से कई गुना बड़ा होता है भाव। इस कर्म से जो जुड़ा होता है वो भाव हमें फल देता है, चाहे घृणा भाव हो, नफरत भाव हो, प्रेम भाव हो, आनंद की भाव हो, उस हिसाब से हमें फल प्राप्ति होती है। आप जानते हैं एक डाकू भी चाकू मारता है, एक डॉक्टर भी चाकू मारता है। बाहर से दिखने वाली दोनों के कर्म एक जैसे हैं, पर उसका भाव अलग होता है। एक में एक इंसान का जीवन बसता है, एक में एक इंसान का जीवन जाता है, मृत्यु प्राप्त होता है। बाहर से तो दोनों कर्म एक ही जैसे हैं, पर फल एक है क्या? इसलिए कोई भी कर्म छोटा नहीं होता, कोई भी कर्म बड़ा नहीं होता, उससे जुड़ी भाव बड़ा करता है उस कर्म को या छोटा करता है। आप चाहे किसी को 1 ग्लास पानी पिलाओ, उससे अगर जुड़ा होता है आपका प्रेम भाव करुणा भाव जुड़ा है, वो अमृत बन जाता है। उसी जगह में हम अगर किसी को दूध पिला रहे इससे घृणा भाव जुड़ा है, अहंकार भाव जुड़ा है, वो दूध भी जहर बन जाता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा और आनंद भी होगा। हमारे संस्कृत की सबसे बड़ी जो प्रेम की मूर्त होती है मीराबाई, उनकी गुरु कौन थे ना, रोहिदास, जो चमड़े का काम करते, वो एक मोची थे। उनका काम मोची का काम था,
फिर भी वो मीराबाई जैसे भक्त के गुरु थे। वो ऐसे कर्म से क्या भाव जुड़े रहते थे? अगले वीडियो में रोहिदास कैसे कर्म करते थे, किस भाव से कर्म करते थे, अगले वीडियो में हम उसके ऊपर आलोचना करेंगे, सुंदरता के भाव से, सुंदरता के हिसाब से उसको जानेंगे। इसीलिए कोई भी कर्म बाहर से कितने भी बड़े दिखे, उसके साथ जो जुड़ा रहता है वो हमें फल प्राप्त करता है। इसलिए हमारे सक्षम के हिसाब में जितने दान हो, जितना धर्म हो, जैसे भी कर्म हो, उसके साथ प्रेम आनंद का भाव जोड़ना बहुत जरूरी है। वो छोटी सी कर्म कई गुना बढ़ जाता है और उसी का फल हमें प्राप्त होता है। इसीलिए मैंने पहले से ही बताया था, बाहर से दिखने वाले अच्छे बड़े कर्म नहीं होते, उसका फल कभी कभार बुरा भी होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे हम और बेहतरीन आध्यात्मिक चीज जान सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ईश्वर आपका मंगल करें।